अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी प्री ब्राइडल या प्री वेडिंग गाइड है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसके घर में पहली शादी हो रही है या जो बंदा शादी अरेंज करने लगा है, चाहे आपकी अपनी शादी है, चाहे आपके किसी बच्चे की शादी है, चाहे आपके किसी बहन भाई की शादी है। स्पेशली अगर ये आपके घर की पहली शादी है तो वेडिंग कैन बी अ वेरी ओवरवेलमिंग प्रोजेक्ट। इतना कुछ होता है जो करने वाला होता है, और अगर आपके घर की पहली शादी हो तो आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पैनिक होता है एंड वॉट नॉट। एंड सो आई एम हेयर टू हेल्प यू विद अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव गाइड ऑन एवरी थिंग दैट नीड्स टू बी डन बिफोर अ वेडिंग अप्रोचेज। छः महीने से वेडिंग शुरू होने से 6 महीने से लेके वेडिंग के दिन तक जितनी तैयारी है उस सारे के बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल में ये वीडियो इतनी कॉम्प्रहेंसिव होगी कि दिस शुड बी द फर्स्ट वीडियो एनी वन हु इज़ अरेंजिंग अ वेडिंग शुड वॉच। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि ये पहली वीडियो होनी चाहिए जो कोई भी देखे, बट मैं जो ब्राइडल सीरीज फिल्म कर रही हूँ उसमें दिस वीडियो इज़ कमिंग एट अ वेरी लेटर स्टेज, बिकॉज इस लाइक लिस्ट में मैं जिन चीज़ों के नाम लेने वाली हूँ उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट नीड लाइक फर्दर एलैबोरेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन, और इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियोज़ बना चुकी हूँ। सो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी अपनी ये सारी वीडियोस भी, अपनी ब्राइडल सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियोस लिंक कर दूंगी जिनका मैं आज जिक्र करूंगी। बट ऑल इन ऑल, चाहे मैं एक दो चीज़ें शायद मिस भी कर रही हूँ, बट आई फील लाइक इट्स अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन एवरीथिंग दैट्स नीड टू बी डन बिफोर अ वेडिंग अप्रोचेस। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं, उसके साथ बेल बनी हुई उसको भी प्रेस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे लिए कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। All of this will help this channel grow and I'll really truly appreciate it. So chale, without further ado, let's jump right into this pre-wedding checklist. अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं शादी से 6 महीने पहले। अगर आपके पास लाइक ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपकी शादी की डेट तय हो गई और आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम नहीं है तो फिर भी ये काम लाइक सारे काम हो जाते हैं। 15 दिन बाद भी अगर आपकी शादी हो ना तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक द आइडियल टाइम लाइन, और अगर नहीं भी हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट द फर्स्ट टू थिंग्स दैट आई वुड रेकमेंड कि आप करें, सबसे पहली चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो ये कि आप अपने ब्राइडल ड्रेस की रिसर्च शुरू करें, क्योंकि ब्राइडल ड्रेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाइक डिपेंड करेंगी, तो वो वाला काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। उसके साथ हैंड इन हैंड मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप एक रफ सी गेस्ट लिस्ट बना लें। आपके पास एक एस्टिमेट होना ज़रूरी है कि आपकी शादी पर कितने लोग होंगे, क्योंकि आपका एक ये जो रफ एस्टिमेट है ना, दिस विल डिटर्मिन के आपका वेन्यू क्या होगा, और फिर वेन्यू पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हैंड इन हैंड जो सबसे पहले करने वाले काम है इन माय ओपिनियन वो आपके ब्राइडल ड्रेस की तलाश है, और उसके साथ साथ आपके वेन्यू की तलाश है। सो ऑब्वियसली अगर आप लड़की वाले हैं, आपके घर की शादी है, तो आप ब्राइडल ड्रेस की तलाश करेंगे। अगर आप लड़के वाले हैं तो आप लड़के का ड्रेस, वो चाहे 6 महीने उससे थोड़ा आगे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लड़के की तो ज्वेलरी और क्लच और ये सारा कुछ नहीं करना होता। सो लड़के के जाहिर है जूते वगैरह तो मैच होने होते हैं, टाई मैच होनी होती है, थिंग्स लाइक दैट। लड़के का थोड़ा सा लेट भी हो सकता है काम, उसका काम वाला जोड़ा नहीं होता, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, लाइक उसको 6 महीने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने भरपूर तरीके से रिसर्च करनी है, जगह जगह छान मारनी है और फिर अपना ब्राइडल ड्रेस डिसाइड करना है, तो आई वुड से 6 मंथ्स। अगर आप लड़के वाले हैं तो 4 मंथ्स 5 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। और अगर आप लड़के वाले हैं तो आपको लड़की का ड्रेस 6 महीने पहले ऑर्डर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगी अगेन बहुत सारी चीज़ें, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते, उसका क्लच, ऑल ऑफ दैट। सो आपको सबसे पहले ब्राइडल ड्रेस की तलाश कर लेनी चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 5 महीने एटलीस्ट शादी में रहते हो तो आपका ब्राइडल ड्रेस लाइक डिसाइड हो जाए, ऑर्डर हो जाए। ठीक है, उससे ये कि आपको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। आप जो डेट देंगे ना अपने ब्राइडल ड्रेस की, वो आप आई वुड से महीने से कम की मत दीजिएगा, यानी कि महीना इज़ अ गुड टाइम। अगर आप बहुत जल्दी अपना ड्रेस लेके घर रख लेंगे तो आप उसको देख देख के उकता जाएंगे, और अगर आप बहुत लेट तो वो अगले काम ख़राब करके दे सकते हैं, कोई चीज़ें हैं जो आपकी ड्रेस में गलत हो सकती हैं, फिर उनको फिक्स करने का टाइम नहीं बचता है। सो आई वुड से महीना एक अच्छा टाइम है कि आप अपनी शादी की डेट से महीना पहले का वो ऑर्डर का डेट दे दें कि हमें इस दिन अपना ब्राइडल ड्रेस चाहिए। उसके बाद जब आपका ब्राइडल ड्रेस डिसाइड हो गया, चाहे आप वलीमे को ऑर्डर करें, चाहे आप बारात को ऑर्डर करें, एक दफ़ा ब्राइडल ड्रेस डिसाइड हो गया तो उसके बाद आप करेंगे ऑर्डर ज्वेलरी। वेदर आप गोल्ड की ज्वेलरी बनवा रहे हैं, चांदी में बनवा रहे हैं, जिस भी तरफ आप जा रहे हैं, आपके जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स की मैचिंग, हर चीज़ की मैचिंग ड्रेस के कलर के साथ होगी, और उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो अपनी बाकी ज्वेलरी बनवा रहे हैं, स्पेशली अगर आप गोल्ड में ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो अमूमन लोगों की प्रेफरेंस होती है कि
अगर वो स्टोन्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग तो येलो गोल्ड प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप स्टोन्स में जाना चाहते हैं तो लोग वेराइटी चाहते हैं, एक ही स्टोन के कलर्स नहीं चाहते. सो पहले आपका ब्राइडल ड्रेस का स्टोन कौन सा है, आपके ब्राइडल सेट का स्टोन कौन सा है, उस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपके बाकी के स्टोन्स में कौन कौन से कलर्स आएंगे. जो आपके ब्राइडल सेट में कलर हो गया है वो आपके बाकी सेट्स में नहीं होगा. यू नीड अ क्लच दैट मैचेस, यू नीड लाइक ज्वेलरी, यू नीड शूज, यू नीड मे बी हेयर एक्सेसरीज, यू नीड बैंगल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइक ब्राइडल अटायर के साथ आपको चाहिए होंगी. तो दैट इज़ इन माई ओपिनियन द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन वेन यू आर अबाउट टू लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग. साइड बाय साइड लाइक आई सेड आप बनाएंगे एक रफ सी गेस्ट लिस्ट, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शादी में कितने मेहमान होंगे. साथ आप लड़के वालों या लड़की वालों से उनका एस्टिमेट ले लेंगे कि जनाब आपके गेस्ट कितने होंगे, एंड देन बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट दैट विल अटेंड द वेडिंग यू लाइक स्टार्ट हंटिंग फॉर अ वेन्यू. जगह क्या होगी जहाँ आपकी शादी होगी, ठीक है. अब वेन्यू में दो ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन होती है केटरिंग की, यानी आप किसी भी ओपन एयर जगह पे खुद से केटर कराते हैं सारा कुछ. आप एक टेंट्स लगवाते हैं, कैनोपीज लगवाते हैं और उसमें ए टू जी सारा कुछ आपने खुद अरेंज करना होता है. उसमें वैरायटी बहुत होती है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं. लेकिन जब आप एक दूसरी तरह के वेन्यू में जाते हैं जो कि ऑलरेडी लाइक शादी हॉल होते हैं, ऑलरेडी बैंकेट हॉल्स होते हैं, उनमें जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका एक अपना सेटअप है, उनका अरेंजमेंट है, जो जैसा है वैसा ही है, उसको आप बहुत ज़्यादा ऑल्टर नहीं कर सकते. सो दैट इज़ लाइक ओपन एयर और दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स. ओपन एयर में ऑब्वियसली इफ़ द वेदर इज़ नॉट सूटेबल तो थोड़ा मसला हो जाता है, डेकोरेशन लेट हो जाती हैं, बारिश हो रही है वगैरह वगैरह, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट अगर आप जा रहे हैं आउटडोर, खुद सारा कुछ केटर करा रहे हैं, तो फिर आपको फूड देखना है, आपको अलग से फूड वाले को हायर करना पड़ता है, फिर आपको फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए या जो आपका स्टेज डेकोरेट होगा, बाकी सारा का सारा जो आपकी एंट्रेंस डेकोरेट होगी, जो खाने के टेबल होते हैं उनके ऊपर जो फ्लावर्स की डेकोरेशन होगी, वो सारा कुछ आपको डिसाइड करना होता है. उसके साथ साथ आप जिस फ्लोर से चल के दुल्हन या दुल्हा दुल्हन दोनों चल के जाते हैं, वो सारी फ्लोरिंग आजकल इतनी तरह तरह की आती है, ग्लास की हो सकती है, ऐसे ग्लास की हो सकती है जिसके नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं एंड देन ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, एक प्लास्टिक का लाइक पेपर सा होता है जो बड़ा कलरफुल सा होता है. आप उस तरह की फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग कर सकते हैं, कारपेटेड फ्लोरिंग कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेज, बेस्ड ऑन योर लाइकिंग, आपको वो अरेंज करना होता है. डीजे और म्यूज़िक का इंतज़ाम करना होता है, या आप डीजे हायर कर लें या आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हायर कर लें. वो बहुत सॉफ्ट सा निकाह वगैरह के फंक्शन पे बहुत अच्छा रहता है कि वो सॉफ्ट सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पीछे चल रहा हो, इट्स नॉट टू इंटरप्टिव, नॉट टू डिस्ट्रप्टिव. मेहंदी पे तो ऑब्वियसली डीजे म्यूज़िक उस सारी चीज़ का सिस्टम अच्छा लगता है, लेकिन बाकी के फंक्शंस में कभी कभी ऐसे लगता है कि इतने ऊँचे स्पीकर होते हैं बात नहीं समझ आती, अगले बंदे ही गला फट जाता है जिस तरह इस वक्त मेरा फटा हुआ है. इसलिए डीजे जो है वो आई फील लाइक लाइव म्यूज़िक आई फील लाइक बहुत अच्छी ऑप्शन है बाकी के फंक्शंस के लिए. उसके अलावा अगर आप शादी हॉल में जा रहे हैं तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हॉल वालों के अपने पास होती हैं, उनके पास फूड वाले उनके अपने होते हैं. आई थिंक कि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको टेस्ट चेक करा देते हैं कि उनका खाना कैसा होता है. सो अमूमन उन लोगों के पास फूड का अपना इंतज़ाम होता है, उनके पास फ्लोरल डेकोरेशंस अपने पास होती हैं, खुद की होती हैं, स्टेज की जो सारी डेकोरेशंस हैं, म्यूज़िक और डीजे का इंतज़ाम अपना होता है, ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली अगर आप इस तरह का कोई बैंक्वेट हॉल चूज़ करें जिसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें वो खुद ही प्रोवाइड करें, तो देर इज़ लाइक अ लॉट लेस हैसल. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको अलग से बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी एंड ये सारा कुछ वो आपको खुद ही कर देंगे. अच्छा, एक टिप मैं आपको और ये दूंगी कि जब आप वेन्यू डिसाइड कर रहे हैं और जब आप अपने लाइक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसको भी आपने काम दिया हुआ है उसके साथ बैठ के आप डिसाइड कर रहे हैं स्टेज की लाइक लाइटिंग, एम्बियंस, सारी जो डेकोरेशन है हॉल की, जब आप इस पॉइंट पे बात करें ना तो प्लीज़ डू डिस्कस लाइटिंग विद देम, क्योंकि जो याद रह जाती है ना शादी, वो तस्वीरों से याद रह जाती है. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो लाइटिंग होती है वो उस वक्त तो बहुत अच्छी लग रही होती है लाइक एम्बियंट सी लाइटिंग, लेकिन तस्वीरें तबाह हो जाती हैं उसकी वजह से, स्पेशली अगर आपका फोटोग्राफर इज़ नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब. तो स्पेशली कोशिश करें कि आपका जो स्टेज है वो बैकलिट ना हो. बैकलिट ना होने से मुराद ये कि दुल्हा दुल्हन के पीछे बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो. अगर उनके पीछे बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो जो भी तस्वीरें आप इस तरफ से उनकी ले रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बैकलाइट आएगी, और वो अगेन अगर फोटोग्राफर लाइट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं रखता तो ही माइट बी टेकिंग एक्सट्रीमली बैड पिक्चर्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम एंड एवरीवन सिटिंग अराउंड देम. सो दैट वाज अनदर टिप दैट आई हैड टू गिव. इसके बाद जनाब आ जाते हैं फोटोग्राफर पे. 5 मंथ्स
4 months. I feel like again 6 months से अगर आप मेरी तरह दीवाने हैं, like you're crazy about the wedding and your wedding approaching, तो I feel like कि आप research तो ज़रूर शुरू कर दें 6 months से. I would recommend कि चाहे आप bride की family या groom की family, अगर आपकी थोड़ी सी भी एक दूसरे से बनती है, अच्छा relationship है, तो एक दूसरे के साथ frankly बात कर लें. और दोनों parties अगर एक photographer की team hire करें ना, तो काम बहुत अच्छा हो जाता है. एक तो वो मुकाबला नहीं रहता दो parties का आपस में, दूसरा ये कि आप उनको request कर सकते हैं कि हर तरह की albums आपको दो दो बना दें. वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, बट ओवरऑल जो कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगी. ओवरऑल आपके पास एक ही टीम होगी, चार फोटोग्राफर्स खड़े, बाजी इधर देखें, नहीं आप इधर देखें, भाई आप इधर देखें, ये नहीं हो रहा होगा स्टेज पे. एंड इट विल बी लाइक अ लॉट लेस हैसल. जो शूट्स हैं, सारी चीज़ें वो बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएगी अगर एक पार्टी होगी. और फिर आप यू कैन गो लाइक अप एंड बियॉन्ड योर बजट, क्योंकि बजट डिवाइड हो जाना है, दोनों दुल्हा दुल्हन का मिल के हाफ हाफ हो जाएगा. तो उस वजह से लाइक यू कैन गो फॉर अ नाइसर फोटोग्राफर देन व्हाट यू कुड अफोर्ड ऑन योर ओन. सो दैट्स अनदर गुड टिप दैट आई हैव फॉर यू. उसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप फेसबुक पे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे तो रिव्यूज़ नहीं होते लेकिन फेसबुक पे होते हैं, तो आप ज़रूर सर्च कर लें एक दफ़ा जिस भी फोटोग्राफर को आप हायर करने लगे हैं ना, उसके उसका नाम एंड रिव्यूज़ आगे ये लिख के गूगल सर्च ज़रूर एक दफ़ा कर लें कि ये फ़लान बंदे या फ़लान टीम के रिव्यूज़ क्या हैं. तो चाहे आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, चाहे आपको किसी और फोरम पे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा कि कस्टमर्स के साथ डीलिंग कैसे है. कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं जो जिनकी तस्वीरें तो बहुत आला होती हैं, जैसे मेरा फोटोग्राफर था, तस्वीरें उनकी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन लाइक उनको तमीज़ ज़रा नहीं होती बात करने की, कस्टमर से बात करने की, कस्टमर के साथ डील करने की तमीज़ नहीं होती. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक दफ़ा उनके रिव्यूज़ ज़रूर देखें, वो आपको, आपके गेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं. लाइक स्पेशली इट्स अ रियली ऑकवर्ड प्लेस टू बी इन अगर आप लड़की वाले और आपका फोटोग्राफर लड़के वालों से बदतमीज़ी कर रहा है. नॉट आई एम नॉट सेइंग कि लड़की वाले रिस्पेक्टेबल नहीं होते, लेकिन हमारे माशरे में लाइक इट्स अ बिगर डील कि अगर बारातियों के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो इट्स अ मोर ऑकवर्ड सिचुएशन. लेकिन इन आइदर वे अगर आप लड़के वाले और आपका फोटोग्राफर लड़की वालों से बदतमीज़ी कर रहा है, तो इट्स इक्वली बैड, इट्स इक्वली रूड. And you just don't want to be in that position. So please try करें कि ऐसे photographer को hire करें जिसकी team polite हो, professional हो, अपना काम करना जानती हो, ठीक है. दूसरी tip मैं आपको ये दूंगी कि आप किसी भी photographer को सारा काम ना दे दें, उससे भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है. Hassle तो होगा, again जैसे मैं recommend, I'm kind of like countering what I just said कि ज़्यादा teams को hire करेंगे तो मसला होगा, लेकिन या तो आप ऐसी team तलाश करें जिसके तीनों काम, यानी कि उसका कपल का शूट, उसका इवेंट की कवरेज और उसकी वीडियोज़, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हों. या तो आप ऐसी टीम तलाश कर लें जिनकी ये तीनों चीज़ें अच्छी हों, नहीं तो फिर हर एक की जो है ना वो स्पेशलिटी डिफरेंट होती है. कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं वो कपल शूट कमाल करते हैं, इतने अच्छे कपल शूट्स करते हैं कि उन जैसे कोई नहीं करता. ऑन दी अदर हैंड उनकी इवेंट कवरेज इज़ जस्ट मीडियोकर. इसी तरह वीडियोज़ भी एक आर्ट है, जितना गुड डालेंगे उतना मीठा होगा. आपको ड्रोन शॉट्स लेनी है, आपको जो जो 50,000 तरह की डिफरेंट शॉट्स आ गई हैं अब, वो सारा कुछ कराना है. तो आप अगेन जितना गुड डालेंगे उतना आपको मीठा मिलेगा, लेकिन लाइक आई सेड हर टीम की कुछ स्पेशलिटी होती है. सो अगर तो आपको ऐसी टीम मिल जाती है जिसके सारे काम बहुत अच्छे हैं, तो वेल एंड गुड. वरना कोशिश ये करें कि आपको मिल जाती है ना ऐसी टीम जिसकी इवेंट कवरेज और वीडियोज़ बहुत अच्छी हैं, तो उसको एक काम के लिए हायर कर लें, क्योंकि ये जो इवेंट पे होने वाला काम है इसमें हासिल ख़त्म हो जाएगा. और जो शूट है वो तो कपल ने जाके अलग से कराना है. सो उसके लिए अगर आपने कोई और टीम हायर करनी है तो कोई और टीम हायर कर लें, हैसल भी नहीं होगा और काम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्यूटी सलोन की, पार्लर की. अगर तो आप यू कैन अफोर्ड टू एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ वेरी पॉपुलर, अ वेरी बिग मेकअप आर्टिस्ट, और स्पेशली अगर आपकी शादी हो रही है पीक सीज़न में, ऐसे सीज़न में शादी हो रही है जिसमें बेतहाशा अनगिनत शादियाँ होनी है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि 4 से 5 महीने पहले अपना पार्लर बुक करा लें. इसलिए क्योंकि जाहिर है अगर पीक सीज़न की शादी है तो ये बहुत जल्दी बुक हो जाएंगे, स्पेशली जो ज़्यादा पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत जल्दी बुक हो जाएंगे. दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं महंगे आर्टिस्ट की प्री ब्राइडल सर्विसेज लें. पैकेज करके अच्छी डील तो आपको बना देते हैं, या एटलीस्ट आपको बहुत लुक्रेटिव वो डील लग रही होती है, लेकिन एक तो क्योंकि आप महंगे पार्लर के पास जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो महंगा ही होता है, और दूसरी बात ये कि जो ये वाले पार्लर्स हैं जिनकी लाइक ब्राइडल मेकअप बहुत पॉपुलर होते हैं,
इनकी प्री ब्राइडल सर्विसेज इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छी नहीं होती। सो प्री ब्राइडल सर्विसेज जो आपके मिड रेंज पार्लर्स होते हैं ना, जहाँ की वैसे इस तरह की सर्विसेज हेयर कट्स एंड लाइक मैनीक्योर्स पेडिक्योर्स पॉपुलर होते हैं, मैं ये रेकमेंड करूँगी कि प्री ब्राइडल सर्विसेज के लिए कोई ऐसा पार्लर चूज़ करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, 4 महीने रह गए हैं शादी को, अब हम उन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं जो 4 महीने पहले आपको ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप अपनी जर्नल शॉपिंग शुरू कर दें, जो चीज़ें आपको अपने पर्सनल आइटम्स आपको चाहिए, कपड़े, जूते, बैग, स्वेटर्स, शॉल्स, जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं। मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है उन चीज़ों पे जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं जो आपको शादी के लिए ख़रीदने चाहिए, या अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मैं वो वीडियो ऊपर भी लिंक कर दूंगी, नीचे भी लिंक कर दूंगी लाइक आई सेड, तो उस वीडियो को जाकर देख लें। उसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें मैं ब्यूटी आइटम्स की कंप्लीट लिस्ट दे रही हूँ। इट्स अ कंप्लीट लिस्ट फॉर ब्यूटी आइटम्स, मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी टूल्स, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ कंप्लीट ब्यूटी किट फॉर अ ब्राइड, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, उस वीडियो को भी ऊपर लिंक कर दूंगी। 4 months इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग हाउस होल्ड स्टफ। अब मैं जहेज़ को तो हरगिज कंडोन नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप लड़के वाले हैं और आप अपने बेटे का घर सेट करके दे रहे हैं, तो उनके घर का फर्नीचर, उनके घर की लाइक कारपेटिंग, पर्दे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, या अगर आप लड़के वाले हैं और आपके साथ ही रहने वाला आपका बेटा, तो बेटे का कमरा सजाएं, उसके लिए चाहे बहू को साथ ले जाएं और उसकी पसंद का फर्नीचर ख़रीद लें। अगर वो अपनी पसंद से अपने कमरे के लिए कोई चीज़ लाना चाहती, वेल एंड गुड, लेकिन मैं जहेज़ को हरगिज़ कंडोन नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप लड़के वाले हैं, तो आई वुड से कि 4 months इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट मेकिंग फर्नीचर फॉर योर बेटा बहू एंड लाइक अदर थिंग्स फॉर देयर हाउस इफ़ दे आर गोइंग टू बी लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट स्पेस। अगर आप लड़की वाले हैं, तो जो लड़के को आपने छोटे छोटे गिफ्ट्स देने हैं लाइक परफ्यूम एंड वॉच एंड स्टफ़ लाइक दैट एंड कफलिंक्स एंड छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं जो लड़की का भाई या लड़के की माँ, लड़के का बाप अमूमन घड़ी पहनाता है बारात वाले दिन, थिंग्स लाइक दैट, छोटे छोटे गिफ्ट्स, वो आप इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। लाइक ये जो शॉपिंग वाला टाइम पीरियड है 4 months 5 months, इस टाइम में आप इन चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। लड़की के लिए पर्सनली मैं कहूँगी कि 4 months इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अडॉप्टिंग गुड स्किन केयर हैबिट्स। 6 months से स्टार्ट कर सकें तो भी अच्छी बात है। अगेन आई लिंक अ वीडियो अप हेयर एंड डाउन बिलो एज वेल, जिसमें आई टॉक अबाउट 7 or 8 गुड स्किन केयर हैबिट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी हैबिट्स जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी स्किन इन लाइक 100% शादी वाले दिन अच्छी लगेगी। सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अडॉप्टिंग दोज हैबिट्स इन योर लाइफ, स्किन केयर की हैबिट्स। उसके अलावा अगर आपने वेट लूज करना है, थोड़ी टोनिंग करनी है, तो आई फील लाइक एक्सरसाइज एंड डाइट, दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद दैट, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगी शादी से महीना पहले आप रुक जाएं। एक्सरसाइज बेशक कंटिन्यू करें, डाइटिंग शादी से महीना पहले छोड़ दें, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि सबसे पहले उनकी शक्ल उतर जाती है, जैसे ही वो वज़न लूज़ करना शुरू करते हैं, सबसे पहले उनकी शक्ल से रौनक ख़त्म हो जाती है, एंड दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट फॉर अ ब्राइड। हमें वो ग्लो चाहिए, ग्लो फ्रॉम विद इन, वो रौनक चाहिए चेहरे की। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि शादी से 1 महीने पहले आपने डाइटिंग छोड़ देनी है, जो दिल करता है खाएं, एक्सरसाइज करते रहें, लेकिन शादी से पहले डाइटिंग हर हाल में छोड़ दें, लाइक महीना पहले। अच्छा जी, अब 2 महीने और गुजर गए हैं, शादी में सिर्फ 2 महीने रह गए, अब कौन कौन से काम हैं जो आप 2 महीने पहले करेंगे? इसमें जो आपने रफ गेस्ट लिस्ट बनाई थी ना, सबसे पहले आपने उसको फाइनलाइज करना है। इसमें ऑब्वियसली जब शादी होती है किसी घर में, तो इर्द गिर्द वालों को पता होता है कि फलान घर में शादी होने वाली है, और आपके जो एटलीस्ट करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपको उनका भी पता होता है कि कौन आ सकेगा शादी में, कौन नहीं आ सकेगा। अब दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मेक योर फाइनल लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप इन लोगों को शादी में बुलाएंगे नहीं जिन्होंने आना नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब आपकी एक लिस्ट फाइनल हो जाएगी ना, तो ये आपको नंबर चाहिए होता है केटरर्स को बताने के लिए कि हमें इतने लोगों का खाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर उतने लोगों का खाना बनवा लेंगे जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, बहुत सारा खाना ज़ाया होता है उस चक्कर में। इसलिए आपने जो फाइनल लिस्ट बनानी है ना, वो लिस्ट आपने अपने, वो नंबर आपने अपने केटरर्स को देना है। लड़के वाले या लड़की वाले तो आपको अपना एक नंबर दे देंगे, उसको तो आप एज इट इज़ काउंट कर लें, उनके जो रिश्तेदार आ रहे नहीं आ रहे आपने उनके लिए फुल अरेंजमेंट करके रखना है, लेकिन अपने रिश्तेदारों का आपको आइडिया है कि कौन आएगा। अब जाहिर है जैसे हमारे कुछ कज़न्स होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बाहर रहते होते हैं, और अगर वो शादी पे आ रहे हैं हमें पता होता है, अगर शादी पे नहीं आ रहे तब भी हमें पता होता है, तो हम उन्हें इनवाइट तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो हम जाहिर है उनका नंबर केटरर्स को तो नहीं देंगे। उसके अलावा जो आपके पास गेस्ट लिस्ट तैयार हुई है, उसमें से आप ये भी डिटरमिन करेंगे कि आपको कितने इनविटेशन कार्ड्स चाहिए, एंड देन यू विल गो टू गेट योर इनविटेशन कार्ड्स प्रिंटेड एज वेल। सो 2 महीने पहले अगर आप इनविटेशन कार्ड्स का काम शुरू कर दें, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप लड़के वाले हैं और शादी के वक्त निकाह हो रहा है, तो आई वुड से कि बिद
के लिए डब्बे, जो भी चीज़ आपने जिसमें भी पैक करनी है, कपड़े में करनी है, पोटली बनानी है, बॉक्स बनाना है, वुडन बॉक्स बनाना है, कागज़ का बॉक्स बनाना है, मेटल का बॉक्स, लाइक आजकल इतने शशके हैं, यू कैन गो एज हाई एंड अप एंड बियॉन्ड एज यू वॉन्ट. लेकिन जो भी आपने करना है, पॉइंट इज़ कि आपको बिद के डब्बे चाहिए. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, जो अगेन 4 महीने के मार्क पे लड़की वालों को कर लेनी चाहिए, लड़के के का मेहंदी का ड्रेस, स्पेशली अगर आपके घर में रवाज है. ये मैं ज़रा एवरेज रवाजों की बात कर रही हूँ, बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि लड़के का जो मेहंदी का ड्रेस है वो लड़की वाले बनवाते हैं. तो आपने 4-1 महीने पहले लड़के का ड्रेस ऑर्डर कर देना है. और इसी तरह अगर लड़की वाले लड़की का मेहंदी का ड्रेस बनवा रहे हैं तो 5 महीने पहले वो ऑर्डर कर दें. अगेन उससे मैचिंग आपने फूलों का जेवर वगैरह भी ऑर्डर करना होगा, लेकिन उसको हम थोड़ी देर बाद ऑर्डर करेंगे, उसकी हम इसके बाद बात करते हैं. अब हम बात करते हैं जनाब कुछ घरदारी की. अगर जनाब आप हैं लड़की, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम. और आपको खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता, तो 2 महीने 2.5 महीने दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, स्पेशली अगर आपने घर संभालना है ना. एक तो है कि अगर आप जॉब कर रही हैं या आपकी मदर इन लॉ इज़ स्टिल वेरी यंग, शी हैज़ अ फुल फैमिली, और ज़्यादातर काम एक्सपेक्टेड यही है कि वही रन करेंगी, फिर तो और बात है. लेकिन अगर आपने बाकायदा यू एक्सपेक्ट कि आप ऐसे घर में जा रही हैं कि आपको प्रॉपर घर संभालना होगा या आपका अपना इंडिपेंडेंट सेटअप होगा, तो आपको लाइक यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. उसके अलावा स्टार्ट मेकिंग अ रेसिपी बुक. अपने फ़ोन में बना लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ अगर आप फिज़िकली भी बनाना चाहते हैं वो भी बड़ी अच्छी रहती है. स्टार्ट मेकिंग अ रेसिपी बुक. पहले एक रफ़ रेसिपी लिखा करें हमेशा, जब भी आप कोई नई रेसिपी ट्राई करने लगे हैं. इंटरनेट भरा हुआ है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ से. जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं उसको पहले रफली नोट डाउन करें, एंड देन अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से उसमें ऑल्ट्रेशंस करके उसे अपनी नीट अच्छी वाली रेसिपी बुक में लिखें, एंड वो रेसिपी बुक अपने घर लेके जाएं ताकि कॉन्फिडेंस से खाना बना सके जब आपको अपने घर में खाना बनाना हो. ठीक है जी. ले जनाब, अब हम आ गए हैं टू द वेरी लास्ट फ्यू डेज़ बिफोर द वेडिंग. ये मैं बात कर रही हूँ 15 दिन, हफ्ता, ये वो वाले दिन हैं शादी से बिल्कुल पहले के. इन दिनों में जो काम आपने करने हैं ना, वो आपने ये करने हैं कि अगर मेहंदी आपने अरेंज, लाइक आप लड़के वाले या लड़की वाले, मेहंदी के लिए आपको थाल चाहिए, आपने वो खरीद महीना पहले, आई वुड से महीना पहले मेहंदी के लिए थाल वगैरह ये सारा कुछ ऑर्डर कर लें. उसके अलावा हफ्ता पहले आई वुड से फूलों वाला के पास जाना है आपने, और आपने उन्हें पतियों का ऑर्डर देना है. ये अगर आप लड़के वाले हैं तो आप लड़की वालों पर वलीमे वाले दिन फेंक सकते हैं, और अगर फेंकना है सच एन ऑड वर्ड, लेकिन पतियाँ फेंकना ही कहते हैं उसको, लाइक यू कैन शावर देम विद दीज पतियाँ. एंड अगर आप लड़की वाले हैं तो ऑब्वियसली मेहंदी पे जब लड़के वाले आते हैं बारात पे, यू नो द ड्रिल, जब वो लोग आते हैं तो लाइक यू शावर देम, फेंकना नहीं, यू शावर देम विद दीज पेटल्स. तो उसके लिए आपको पतियाँ चाहिए. बारातियों के लिए आपको हार चाहिए होते हैं, ऑर्डर करने होते हैं, वो भी ऑर्डर पे बनते हैं. अगर आप लड़के वाले हैं तो लड़के की सेहराबंदी के लिए हार होते हैं काफ़ी सारे, जो पता नहीं किस किस ने पहनाने होते हैं. बहुत सारे लोगों ने लड़के को हार पहनाना होता है सेहराबंदी के वक्त. अगर आपकी फैमिली में रवाज है तो आपको उसके लिए हार ऑर्डर करने होंगे, काफ़ी सारे हार ऑर्डर करने होंगे. मेहंदी के दिन के लिए आपको गजरे ऑर्डर करने होते हैं. आपके फैमिली में जितनी यंग लड़कियाँ, आप सबको गजरे ऑफर करेंगे मेहंदी वाले दिन. और उसके अलावा आपने मिठाई ऑर्डर करनी होती है, जो मेहंदी वाले दिन आपने लड़का लड़की को खिलानी है वो भी. और इसके अलावा जो लाइक बहुत सारी मिठाई का थाल होता है जो लाइक आप लेके जाते हैं मेहंदी वाले दिन, एंड इसके बाद आई थिंक वलीमे वाले दिन लड़की वाले लेके जाते हैं और मेहंदी वाले दिन लड़के, आई डोंट नो, इतने रस्म रिवाज नहीं मुझे पता, बट आई नो दैट दैट नीड्स टू बी डन एज वेल. सो दैट इज़ एवरीथिंग आई हैड इन माई माइंड. लाइक हमारे घर में 5 शादियाँ हुई हैं. जो पहली शादी, लाइक वी फाइव सिबलिंग्स, और मेरी जो सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मैं 8 साल की थी. सो आई रियली डोंट रिमेंबर मच फ्रॉम हर वेडिंग. और उसके बाद होने वाली शादियाँ मेरे काफ़ी शऊर में हुई हैं, एंड अपनी शादी में मैंने बहुत लाइक बहुत जज्बाती होकर हिस्सा लिया था. बहुत सारे कामों में जो लड़कियाँ पीछे होकर बैठी रहती हैं, लाइक फ्लावर डेकोरेशन, स्टेज डेकोरेशन, ऑल ऑफ दैट, मैंने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था. DJ कौन सा, मेरी एंट्रेंस पे कौन सा म्यूज़िक लगेगा, और मेरी रुखसती पे कौन सा म्यूज़िक, लाइक डाउन टू दोज डिटेल्स मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया था अपनी शादी पे. सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन द थिंग्स दैट नीड टू बी डन बिफोर अ वेडिंग, एंड इट्स अ लॉट, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, एंड आई एम श्योर के आई एम स्टिल मिसिंग आउट ऑन सो मच. बहुत कुछ है जो बिहाइंड द सीन्स माई अब्बा वुड हैव टेकन केयर ऑफ, और माई मदर और माई ब्रदर वुड हैव टेकन केयर ऑफ. मुझे पता भी नहीं कि शादी के लिए ये भी करना होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शादी के जो बाद खाना बचता है आपको, लाइक अगर आप होस्ट करें वो फंक्शन, तो आपको गाड़ी में देगचियाँ लेके जानी होती हैं, क्योंकि जो खाना बचता है वो नान और
सालन और वो सारा कुछ आपने साथ घर लाना होता है. सो लाइक स्टफ लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें ये छोटी छोटी माइनर डिटेल्स दैट आई हैड नो पार्ट इन, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन से और कुछ एक्सपीरियंस से आई हैड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू टेल यू गाइज कि ये सारा कुछ आपने शादी के लिए करना होता है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आई होप दैट इफ यू आर अबाउट टू लाइक इंडल्ज इन दिस बिग वेडिंग प्रोजेक्ट, देन दिस वीडियो इज लाइक a good checklist of all the things that need to be done before the wedding. One thing I absolutely forgot, if you are a groom aur aapki shaadi ho rahi hai to of course aapne apni dulhan ke liye gift lena hai. That is one thing I definitely forgot kyunki main like I was making this list from the perspective of a girl, so I completely forgot about that one. But yeah guys, I hope you guys found this video helpful. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up, subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.